students, once again I'm back with a new topic and that is fungi. Okay, now let's see one by one. The first one is phycomycetes. So, मैंने आपको बताया कि phycomycetes जो होती है most primitive होती है, बहुत पुरानी है तो अपने आप को बचाने के लिए बैठ के सिर्फ क्या करती रहती है, राम राम करती रहती है कि किसी तरह मेरा एग्जिस्टेंस बचा रहे और मैं बची रहूं इस दुनिया में. क्या करती है, बस पानी में बैठे बैठे राम राम करती रहती है. तो व्हाट इज दिस राम राम, ये कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इसके एग्जांपल याद करने का तरीका आपको बताया. ठीक है, तो आर स्टैंड्स फॉर, जो आर होता है उसे हम कहते हैं राइजोपस. ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर म्यूकर, ए स्टैंड फॉर एल्ब्यूगो. दीज आर द एग्जाम्पल्स टू लर्न द फर्स्ट वन, फाइकोमाइसिटिस. ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है. मोस्ट प्रिमिटिव होती है, बहुत पुरानी है, इसलिए राम राम करती रहेगी. राम राम करेगी तो इसके क्या है, राम राम, नथिंग एग्जाम्पल, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो. ठीक है, अच्छा ये सबसे प्रिमिटिव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, और एक्वेटिक में पाई जाती है. दूसरा, इसकी बॉडी में सेप्टा नहीं है. जैसे मान लो ये इसका एक हाइफे है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, तो इसकी बॉडी में इस तरह का कंपार्टमेंट नहीं है. फाइन, सो इसकी बॉडी कैसी है, एसेप्टेट है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब क्या होता है, अब मान लो इसे अपनी कॉलोनी बढ़ानी है. ठीक है, मतलब इसे अपनी कॉलोनी बढ़ाने से देखा फूड आया, चलो खाएं मिलके, तो क्या होगा, कॉलोनी बढ़ाएगी. अब कॉलोनी जो है वो दो तरह से बढ़ाएगी, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई. ठीक, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं. आपको पता है फंगस स्पोर्स बनाती है. ठीक, तो स्पोर्स बेटा दो तरह के होते हैं. ठीक, एक को हम बोलते हैं जू स्पोर्स, अब देखो जू, और एक होता है ए प्लानोस्पोर. ठीक, जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर. जू मतलब होता है एनिमल, तो एनिमल तो दौड़ने लगता है. तो ये जो स्पोर बनते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, मोटाइल, दे कैन मूव. ठीक, और ए प्लानोस्पोर जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल. फाइन, दे आर नॉन मोटाइल. सो स्पोर्स कैन बी जू स्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर. जू स्पोर्स कैन बी मोटाइल, कैसे याद रखोगे, भाई जू स्पोर ही मोटाइल होता है. तो समझना कि एनिमल है, जानवर तो चल लेते हैं, तो ये भी ऐसे स्पोर्स होते हैं जो चल लेते हैं. ठीक है, तो स्पोर्स, जू स्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर, दे आर मोटाइल एंड दे आर. तो हुआ इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, ए सेक्सुअल की बात हुई. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मान लो ये सबस्ट्रेट है. ठीक है, इसमें तुम्हारा ये सारे इस तरह से ऐसे हाइफे हो गए, कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइसीलिया, जो नॉर्मल फंगस में होता है. स्पोरेंजियम में क्या होता है, अब ये स्पोरेंजियम है बेटा, स्पोरेंजियम से क्या होंगे, अंदर स्पोर होंगे. तो स्पोर कैन बी जू स्पोर, कैन बी ए प्लानो. देखा कि भाई रोटी आई है मजेदार, वो तुरंत गिरा इस पे और फिर धीरे धीरे करके जर्मिनेट हुआ और इट हैज, मतलब पूरी इसने कॉलोनी बना ली. तो दिस इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहीं पे इसमें मेल और फीमेल की कोई बात नहीं हुई है. ठीक है, तो स्पोर गिरा और उसने, सपोज ये रोटी आई हमारी और एनी ऑफ द फूड मटेरियल, ये रोटी समझ लो. ठीक है, स्पोर इस पे गिरा एंड देन ग्रेजुअली पूरी फंगस आ गई. टेम्परेचर अगर वार्म नहीं है ह्यूमिड, तब क्या करेंगे, तब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. तब क्या होगा बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अनफेवरेबल सिचुएशन में दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कैसे करेंगे. अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है. ठीक है, मान लो अभी हमने तीन एग्जांपल लिए थे ना, याद है ना सबको, राम, आर ए एम, राम. ठीक है, तो कौन कौन से, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, म्यूकर है. चलो राइजोपस को पकड़ लेते. तो ये देखो एक हाइफ है तुम्हारा, ये हो गया. ठीक है, और दूसरा मेल और फीमेल है, और दूसरा हाइफे जो है तुम्हारा वो ये हो गया, दो हाइफे हो गए, हाइफे ये हो गया, एक हाइफे ये हो गया, ये इसके एनएनएन है, ये इसके न्यूक्लियस है. ठीक है, देखो कंपार्टमेंट नहीं है ना, ए सेपरेट है. अब क्या होगा, जब कंडीशन कैसी होगी, अनफेवरेबल. ठीक, अब क्या होंगे, दोनों पास पास आएंगे. ठीक, दोनों पास पास आने के बाद में बेटा इनका एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बनाएगा, और आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो मेक विद मी, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर. आई मस्ट यूज ब्लैक पेन ओनली.
और ये वाले जो है इसके ऐसे पास पास है, यहाँ पर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा ये अपने अपने न्यूक्लियस देंगे, मतलब ये दिस ऑल्सो देंगे, यहां से ये देगा और यहां से ये देगा, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ज़ूस्पोरेंजियम। तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकेंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज, इसको हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। फाइन, ज़ूस्पोरेंजियम बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, थिंक ऑफ इट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर और द नेक्स्ट स्टेप। और इस तरह का स्ट्रक्चर जब दो अपनी मेम्ब्रेन्स को इस तरह मिलाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फ्यूजन आपको पता है, सिनगैमी भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के अपनी जो मेम्ब्रेन्स है वो मिक्स हो रही हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज ज़ूस्पोरेंजियम। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। अब नाउ लेट्स सी ओनली द स्ट्रक्चर। तो ओनली द स्ट्रक्चर में एक तरफ ये है दो और ये इन दिस वे दे, ऐसे है बेटा, ये टू एंड स्टेज है, ये सोनो टू एंड स्टेज है ना, टू एंड टू एंड टू एंड। इसमें सिर्फ आगे होगा माइटोसिस। आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज माइटोसिस। तो क्या होंगे, बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, फाइन। और यहाँ पे एन 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 माइटोसिस होगा बेटा, एन 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 बन जाएंगे, हम कहते हैं जाइगोस्पोर। बेटा ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा विच इज नोन एज जाइगोस्पोर एंड देन दीज दे कम आउट एंड देन दे फॉर्म अगेन द होल स्पोर्स, देन दीज स्पोर्स दे कम आउट एंड दे जर्मिनेट। तो ये सिचुएशन कब होगी बेटा, जब सीजन अनफेवरेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, सिंपली फीवर सीजन फेवरेबल है तो वो क्या फॉर्म करेगी, स्पोरेंजियम फॉर्म करेगी, स्पोरेंजियम जो है उसमें स्पोर्स होंगे, स्पोर्स बस्ट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, सबस्ट्रेटम पे गिर जाएंगे और नई बन जाएगी। मगर अगर सीजन फेवरेबल नहीं हुआ बेटा, देन दे कम क्लोज टुगेदर, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ज़ूस्पोरेंजियम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। देन व्हाट हैपन आफ्टर दैट, इन द ज़ूस्पोरेंजियम माइटोसिस विल हैपन एंड अ बॉडी फॉर्म विच इज नोन एज जाइगोस्पोर एंड देन द जाइगोस्पोर्स द स्पोर्स दे कम आउट एंड देन दे जर्मिनेट। सो इन दिस वे when they get favorable time they germinate. So in this way the phycomycetes they germinate or they grow. So examples, I hope it is clear, rhizopus albugo. Beta albugo is very important, jitni bhi plant diseases hoti hai na wo isi albugo se hoti hai, aur mucor, theek. Now next come to